हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय स्वामीनारायण ऑल ऑफ यू. वेलकम टू क्लास 3 इन आत्मीय ग्रीन स्कूल. माय नेम इज प्राजक्ता एंड आई एम योर मैथ्स टीचर. नाउ लेट्स विल स्टार्ट लेसन नंबर 9, मनी. बट बिफोर स्टार्टिंग अवर टूडेज टॉपिक, फर्स्ट यू विल सी वॉट यू हैड लर्न इन दिस लेसन. सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट इन योर टेक्स्ट बुक. सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट इन योर टेक्स्ट बुक. वी विल सी वॉट यू हैड लर्न अवर लास्ट क्लास. सो वॉट यू हैड लर्न अवर लास्ट क्लास, first we had learned the year giving some notes and coins, so we are putting that coin and notes value. Then after we had learned the exercise 9.1. in exercise 9.1, question number 1 is the write the total value in the figure. Here giving some notes and coin, we are putting that notes and coin value. Then after we had learned the write in the figure. Here giving some numbers, so we are writing in the figures. For example, rupees 5 and 60 paisa. So how to write? First we are writing the rupee sign. Then after we are writing this is the 5, then 5, and then giving the point and 60 paisa. So we will get answer 5 rupees 60 paisa. Then after we are writing, write in the word. How to write this? Rupees 6.80, this is right, 6 rupees 80 paisa. Isko kaise likhenge? 6 rupees 80 paisa. Otherwise, isko hum aise bhi likh sakte hai. Rupees 6, 80 paisa. Rupees 6 and 80 paisa. Isko hum aise bhi likh sakte. Then after we had learned the conversions of rupees and paisa. Then after we had learned the conversions of rupees and paisa. 1 rupees equal to 100 paisa. So when we have converted rupees into the paisa, that time we are multiply the 100%. Jab hum rupees ko paise mein convert karte hai, tab hum kya karte hai? 100 paise ke saath multiply karte hai jo bhi number hota hai. 100 ke saath multiply karne ke baad jo bhi number aata hai wo hota hai paise mein. और जब हम पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तब हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, 2078 पैसा है. अभी इसको हमें क्या करना है, रुपीस में कन्वर्ट करता है. तो हम क्या करेंगे, ये 1 और 10, 10 वाली प्लेस के पहले हम डॉट दे देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, रुपीस 2078 रुपीज हो जाए, क्या 20 रुपीज 78 पैसे हमें आंसर मिल जाएगा. देन आफ्टर वी हैड डन द एक्सरसाइज 9.2, देन एडिशन ऑफ द मनी, दिस आल्सो डन. हम क्या करते हैं एडिशन में, जैसे यहाँ पे है एग्जांपल है 56 रुपीज 75 पैसे है, उसमें ऐड करना है 74 रुपीज 35 पैसे. तो हम जब एडिशन करेंगे तो क्या करेंगे, 5 प्लस 4, और हम जब एडिशन करते हैं तो हम पॉइंट वाले नंबर के नीचे ही लिखते हैं, ठीक है. मतलब रुपीस को रुपीस में ही ऐड करेंगे और पैसे को पैसे में ही ऐड करेंगे, उसको हम चेंज नहीं करते. यहाँ पे 5 प्लस 5 कितना होता है 10, 10 का 0 लिखेंगे, 1 कैरी कर देंगे, ओके. देन 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 1 कितना होता है 11, तो हम यहाँ पे 11 नहीं लिखेंगे, 11 का 1 लिखेंगे और 1 यहाँ पे कैरी करेंगे, 1 कैरी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 1 लिखते तो क्या हो जाता है, 1 1 10 हो जाता है, 1 1 10 पैसे हो जाते. लेकिन 1 1 10, 1 रुपीज मतलब कितना होता है, 100 पैसे होते हैं. अगर इसको हम पैसे को रुपीज, अगर हमने यहाँ पे 1 1 10 पैसे हो जाता, लेकिन 1 रुपीज मतलब 100 पैसा होता है, तो 100 हमारा यहाँ पे कैरी हो जाएगा. मतलब 1 1 10 में से 100 को हम माइनस करेंगे तो कितना बचता है 10, तो यहाँ पे 10 लिख दिया और 1 यहाँ पे कैरी हो गया, ओके. देन 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 1 11, 11 का 1 1 इज द कैरी. देन 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 7 13, तो वी विल गेट आंसर 131 रुपीज 10 पैसा हमें क्या मिल गया है, आंसर मिल गया. देन एक्सरसाइज 9.4 सब्ट्रैक्शन है, ओके. नाउ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 5, 98 रुपीज 50 पैसा है, उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 9 रुपीज 65 पैसे को, ठीक है. अभी 0 में से 0 गया, और जब हम क्या करते हैं, हम एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, हम लिखते हैं रुपीस को रुपीस के नीचे ही लिखना चाहिए, पैसे को पैसे के ही नीचे लिखना चाहिए. 5
5 माइनस 5 0 होता है। नाउ 1 माइनस 6 होगा क्या? नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे। तो हमने यहाँ पे 8 को कट करके 7 लिख दिया और यहाँ पे 11 लिख दिया। 11 माइनस 6 कितना होगा? 5 होगा, तो यहाँ पे 5 आ गया। नाउ 7 में से 9 माइनस होगा क्या? नहीं, यहाँ पे कट करके 8 लिख दिया, यहाँ पे 17। 17 में से 9 गया तो कितना बच गया है? 8, और यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 8। तो हमें आंसर कितना मिल गया है? 88 रुपीज 50 पैसे हमें आंसर मिल गया। देन आफ्टर वी हैड लर्न द स्टोरी सम्स। स्टोरी सम्स भी हमने पढ़े थे, सब्ट्रैक्शन हो गया था, स्टोरी सम्स हो गए थे, कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको होमवर्क दिया था। नाउ लुक एट हियर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मनी। टूडे आवर टॉपिक मल्टीप्लीकेशन ऑफ मनी। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मनी इज सिमिलर टू मल्टीप्लाई ऑफ ऑर्डनरी नंबर। जैसे हम क्या करते हैं, ऑर्डनरी मतलब जैसे सिंपल मल्टीप्लीकेशन करते हैं, सेम वैसे ही होता है इसका मल्टीप्लीकेशन। You only have a remember to put a point, लेकिन हमें पॉइंट को देना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पॉइंट होता है। एट द प्रॉपर प्लेस इन द प्रोडक्ट, प्रॉपर प्लेस पे हमें क्या देना पड़ता है, पॉइंट को देना पड़ता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, लुक एट हियर अ बॉल पॉइंट पेन कॉस्ट ₹25.50। वॉट इज द कॉस्ट ऑफ द फाइव बॉल पॉइंट पेन? क्या बोल रहे हैं? अ बॉल पॉइंट पेन कॉस्ट, एक बॉल पेन पॉइंट पेन की कॉस्ट कितनी है? 25.50 रुपीज है, ठीक है, सॉरी 25.50 रुपीज है। तो 5 पेन की कॉस्ट कितनी होगी? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 25 रुपीज 50 पैसे को हमें 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें 1 पेन की कॉस्ट दी है, हमें 5 पेन की कॉस्ट निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ₹25.50 है, उसको हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो लुक एट हियर, नाउ 0 × 5 0 होता है, 0 × 5 0 होता है, 5 × 5 25 25 का 5 लिखेंगे और 2 यहाँ पे कैरी करेंगे, जैसे हम बाकी मल्टीप्लीकेशन में भी करते हैं। देन अगेन 5 × 5 25 25 + 2 27 का 7 लिखेंगे और 2 यहाँ पे कैरी करेंगे, 5 × 2 10 10 + 2 12। तो हमें आंसर कितना मिल गया, मतलब 5 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, 5 बॉल पेन की कॉस्ट कितनी होगी, ₹127.50 कॉस्ट हो गए, कितने, 5 पेन की। मल्टीप्लाई 2550/5 एज यू आर नॉर्मली एंड डू पुट द डॉट बिफोर द सेकंड डिजिट फ्रॉम द राइट। देखो, हम ऐसे भी कर सकते हैं, नॉर्मली हम पॉइंट को निकाल देंगे, नॉर्मली हम मल्टीप्लीकेशन जैसे करते हैं वैसे मल्टीप्लीकेशन करने का, और फिर क्या करने का, यहाँ पे टू डिजिट के पहले पॉइंट है तो हम टू डिजिट के पहले पॉइंट देंगे। मतलब जैसे हम पैसे में क्या करते हैं, 1 और 10 प्लेस के पहले पॉइंट देते हैं, वैसे हम यहाँ पे भी पॉइंट दे देंगे, ठीक है। नाउ लुक एट एक्सरसाइज 9.6 है। 9.6 में क्या है, मल्टीप्लीकेशन। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1, ₹9.15 है, उसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, ठीक है। सो 5 × 5 कितना होता है, 25 का 5 लिख देंगे और 2 कैरी करेंगे, 1 × 5 कितना होता है, 5 + 2 7 7 हो गया, यहाँ पे 75 आ गया। अब यहाँ पे डॉट है तो यहाँ पे हम डॉट दे देंगे, एंड 5 × 9 = 45 कितना होता है, 45। तो कितना आ गया है, ₹45.75 क्या आ गया है, ₹45.75 हमारा आंसर आ गया। ओके,
क्या था, 9.15 था, उसको मल्टीप्लाई करना था 5 के साथ, तो 5 इंटू 5 25, 25 का 5 लिख दिया, 2 कैरी कर दिया, 1 इंटू 5 कितना था 5, 5 प्लस 2 7 होता है, यहाँ पे बीच में पॉइंट है, डॉट है, तो हमने यहाँ पे डॉट लिख दिया है, अभी 5 इंटू 9 कितना होता है 45, तो हमने यहाँ पे 45 हो गया, तो क्या आ गया है 45 रुपीज 75 पैसे हमें आंसर मिल गया। तो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, 16 रुपीज 50 पैसा और मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, सो 4 इंटू 5 कितना होता है 4 इंटू 5 20, 20 का 0 लिख देंगे, 2 कैरी करेंगे, देन 1 इंटू 4 4 4 प्लस 2 6, तो यहाँ पे 60 आ गया है, यहाँ पे हम डॉट दे देंगे क्योंकि यहाँ पे डॉट है, ओके, देन 4 इंटू 6 4 इंटू 6 24, 24 का हम 4 लिख देंगे, 2 कैरी कर देंगे, 4 इंटू 1 4 इंटू 1 कितना आता है 4, 4 प्लस 2 6, तो कितना आंसर आ गया है रुपीज 64 60 पैसे। आंसर कितना आ गया है रुपीज 64 60 पैसे हमें आंसर मिल गया। नाउ एग्जांपल नंबर 3। 23 रुपीज 80 पैसा 23 रुपीज 80 पैसा है, उसको मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ, 9 इंटू 0 0, 9 इंटू 8 72, 72 का हम 2 लिख देंगे, 7 कैरी करेंगे और यहाँ पे हम डॉट दे देंगे, ठीक है। नाउ 9 इंटू 3 होता है 27, 27 प्लस 27 प्लस कितना है 7 है, 27 प्लस 7 कितना होगा 34 होता है, कितना होता है 34 का 4 लिखेंगे और 3 कैरी करेंगे, 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 3 21, 18 प्लस 3 कितना होता है 21 होता है, तो कितना आ गया है 214 रुपीज 20 पैसा। क्या आंसर आ गया है 214 रुपीज 20 पैसे। क्या किया हमने, 0 इंटू 9 0 होता है, 9 इंटू 8 72, 72 का 2 लिख देंगे, 7 कैरी कर देंगे, ठीक है, 9 इंटू 3 27 प्लस 7 कितना होगा 34 का हम 4 लिख देंगे, 3 कैरी कर देंगे, 9 इंटू 2 18 प्लस 3 कितना होता है 21, तो आंसर कितना मिल गया है 214 रुपीज 20 पैसे हमें आंसर मिल गया। देन एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, 32 रुपीज 25 पैसा, उसको मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, 5 इंटू 5 25, 25 का 5 लिख देंगे, 2 कैरी कर देंगे, 2 इंटू 5 कितना होता है 2 इंटू 5 10, 10 प्लस 2 12 का 2 लिख देंगे, 1 कैरी कर देंगे, यहाँ पे हम डॉट दे देंगे, 5 इंटू 10 प्लस 1 11 का 1 लिख देंगे और 1 यहाँ पे कैरी कर देंगे, 5 इंटू 3 15 प्लस 1 16, तो आंसर कितना मिल गया हमें 161 रुपीज 25 पैसा। हमें आंसर कितना मिल गया है 161 रुपीज 25 पैसे हमें आंसर मिल गया। सो दिस इज एग्जांपल नंबर 4। नाउ एग्जांपल नंबर 5। 56 रुपीज 10 पैसा, उसको मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो 0 इंटू 4 0 1 4 इंटू 1 4, यहाँ पे बीच में डॉट देंगे, यहाँ पे डॉट है, देन 6 इंटू 4 24 का 4 लिख देंगे, 2 कैरी कर देंगे, 4 इंटू 5 20 प्लस 2 कितना होगा 22, तो हमें आंसर कितना मिल गया है 224 रुपीज़ 40 पैसा 224 रुपीज़ 40 पैसे हमें आंसर मिल गया। देन एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है, 23 रुपीज़ 15 पैसा है, उसको मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ, ओके, नाउ 7 इंटू 5 35 का 5 लिख देंगे, 3 कैरी कर देंगे, नाउ 1 इंटू 7 7 7 प्लस 3
टेन, टेन का जीरो लिख देंगे, वन कैरी करेंगे और यहाँ पे डॉट लेंगे। सेवन इंटू वन सेवन, सेवन प्लस वन सेवन प्लस थ्री टेन होता है, टेन का जीरो लिख दिया और वन हमने कैरी कर दिया, ठीक है। देन सेवन इंटू थ्री ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन प्लस वन, ट्वेंटी वन प्लस वन ट्वेंटी टू, ट्वेंटी टू का टू लिख देंगे, टू कैरी कर देंगे। सेवन इंटू टू फोर्टीन, फोर्टीन प्लस टू सिक्सटीन, तो आंसर कितना आ गया है 162 रुपीज़, 162 रुपीज़ 5 पैसे हमें आंसर मिली है। दिस इज एग्जाम्पल नंबर सिक्स। नाउ एग्जाम्पल नंबर सेवन, 48 रुपीज़ 75 पैसे है, उसको मल्टीप्लाई करना है सिक्स के साथ। सिक्स इंटू फाइव, सिक्स इंटू फाइव थर्टी, थर्टी का हम थ्री जीरो लिख देंगे, थ्री कैरी करेंगे। देन सेवन इंटू सिक्स, सेवन इंटू सिक्स फोर्टी टू, फोर्टी टू प्लस, फोर्टी टू प्लस थ्री कितना होगा 45, 45 का हम फाइव लिख देंगे, फोर कैरी कर देंगे। सिक्स इंटू सेवन फोर्टी टू, फोर्टी टू प्लस, फोर्टी टू प्लस थ्री कितना होता है 45 होता है, 45 का फाइव लिख दिया और फोर हमने कैरी कर दिया, ठीक है। देन सिक्स इंटू एट, सिक्स इंटू एट फोर्टी एट, फोर्टी एट प्लस फोर कितना होता है 52 होता है, 52 का टू लिख देंगे और फाइव हम कैरी कर देंगे। सिक्स इंटू सिक्स इंटू एट कितना होता है 48 होता है, 48 प्लस फोर कितना होगा 52 होता है, 52 का टू लिख देंगे और फाइव कैरी कर देंगे। देन सिक्स इंटू फोर 24, 24 प्लस 5 29, तो कितना आ गया है हमें आंसर 292 रुपीज़ 50 पैसे हमें आंसर मिल गया। दिस इज एग्जांपल नंबर सेवन। नाउ एग्जांपल नंबर एट, 32 रुपीज़ उसको मल्टीप्लाई करना है सेवन के साथ, तो जीरो इंटू जीरो जीरो, सॉरी जीरो इंटू सेवन जीरो, जीरो इंटू सेवन जीरो, यहाँ पे डॉट आ जाएगा। देन सेवन इंटू सेवन इंटू टू फोर्टीन, फोर्टीन का फोर लिख देंगे, वन कैरी करेंगे। सेवन इंटू सेवन इंटू थ्री ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन प्लस टू ट्वेंटी टू, तो हमें आंसर कितना मिल गया है 224 रुपीज़ हमें आंसर मिल गया है। जीरो इंटू जीरो कितना होता है जीरो होता है, तो जीरो इंटू सेवन करेंगे तो आंसर कितना मिलता है जीरो मिलता है, तो हमें आंसर कितना मिल गया है 224 रुपीज़ हमें आंसर मिल गया है। नाउ एग्जाम्पल नंबर नाइन, एग्जाम्पल नंबर नाइन इज द 18 रुपीज 60 पैसा, उसको मल्टीप्लाई करना है फोर के साथ। देन लुक एट हियर, फोर इंटू जीरो जीरो, फोर इंटू सिक्स ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर का फोर लिख देंगे, टू कैरी कर देंगे, यहाँ पे हम डॉट देंगे, ठीक है। देन फोर इंटू एट, फोर इंटू एट थर्टी टू, थर्टी टू प्लस टू थर्टी फोर, थर्टी फोर का फोर लिख देंगे, यहाँ पे थ्री कैरी करेंगे। फोर इंटू वन फोर, फोर प्लस थ्री सेवन, तो हमें आंसर कितना मिल गया है 74 रुपीज़ 40 पैसे हमें आंसर मिल गया, 74 रुपीज़ 40 पैसे हमें आंसर मिल गया। नाउ एग्जांपल नंबर 10, 24 रुपीज़ 85 पैसा, उसको मल्टीप्लाई करना है 24 रुपीज़ 85 पैसा है, उसको मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ। 9 इंटू फाइव, 9 इंटू फाइव कितना होता है 45, 45 का हम लिख देंगे 5, 4 को कैरी करेंगे। 9 इंटू एट, 9 इंटू एट 72, 72 प्लस 4 76, 76 का हम लिख देंगे 9 इंटू एट कितना होता है 72, 72 प्लस 4 कितना होता है 76, 76 का हम 6 लिख देंगे और यहाँ पे 7 कैरी करेंगे और पहले यहाँ पे डॉट देंगे, ओके। नाउ 9 इंटू फोर 36 होता है, कितना होता है 9 इंटू फोर 36 होता है, 36 प्लस 36 प्लस 7 कितना होगा 43 होगा, कितना होता है 43, 43 का 3 लिख देंगे और 4 कैरी होंगे। 9 इंटू फोर 36 होता है, 36 प्लस 7 कितना होगा 43, 43 हो गया, तो हमने 3 लिख दिया और यहाँ पे 4 कैरी कर दिया। 9 इंटू टू 18, 18 प्लस 4, 18 प्लस 2 18 प्लस
4 कितना हो गया 22, तो हमें आंसर कितना मिल गया है 223 रुपीज़ 65 पैसा। आंसर कितना मिल गया है 223 रुपीज़ 65 पैसे हमें आंसर मिल गया। दिस इज एग्जांपल नंबर 10। नाउ एग्जांपल नंबर 11। 35 रुपीज़ 25 पैसे उसको मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ। 35 रुपीज़ 25 पैसे उसको मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ। सो नाउ लुक एट हियर, 6 × 5 = 30, 30 का 0 लिख देंगे और 3 कैरी करेंगे। 6 × 6 × 2 = 12, 12 + 5 = 15, 15 का 5 लिख देंगे, यहाँ पे डॉट लिखेंगे और यहाँ पे 1 कैरी करेंगे। देन 6 × 5 = 30, 30 + 1 = 31, 31 का 1 लिख देंगे, 3 कैरी करेंगे। 6 × 3 = 18, 18 + 3 = 21। सो आंसर कितना मिल गया है 211.50 पैसे। आंसर कितना मिल गया है 211.50 पैसे हमें आंसर मिल गया। दिस इज एग्जांपल नंबर 11। नाउ एग्जांपल नंबर 12। एग्जांपल नंबर 12 इज द 45 रुपीज़ 35 पैसा है उसको मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। 45 रुपीज़ 35 पैसा है उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो नाउ लुक एट हियर, 5 × 5 = 25, 25 का हम 5 लिख देंगे और 2 कैरी करेंगे। 5 × 5 × 3 = 15, 15 + 2 = 17, 17 का 7 लिख देंगे, 1 कैरी कर देंगे, यहाँ पे डॉट लेंगे। 5 × 5 = 25, 25 + 1 = 26, 26 का 6 लिख देंगे, 2 कैरी कर देंगे। 5 × 4 = 20, 20 + 2 = 22। तो कितना आंसर मिल गया हमें 226 रुपीज़ 75 पैसे हमें आंसर मिल गया। दिस इज एग्जांपल नंबर 12। नाउ फ्रॉम एग्जांपल नंबर 13 to 20 दिस इज द होमवर्क फॉर यू। आपको ये होमवर्क है एग्जांपल नंबर 13 से लेकर एग्जांपल नंबर 20 तक आपको क्या है होमवर्क है। सो दिस इज होमवर्क फॉर यू। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी का फर्स्ट नंबर यहाँ पे मैं अभी सॉल्व करूँगी, 1, 2, 3 और 4 और 5 आपको होमवर्क रहेगा। फर्स्ट नंबर ₹36, ₹36.45/7। 36.45 है उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 7 के साथ। सो नाउ लुक एट हियर, 36.45 है उसको मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ। तो ₹36.45 उसको मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ओके। 7 × 5 = 35, 35 का हम 5 लिख देंगे, 3 को कैरी करेंगे। देन 7 × 4 = 28, 28 + 3 = 31, 31 का हम लिख देंगे 1, 3 कैरी कर देंगे और यहाँ पे डॉट दे देंगे। देन 6 × 7 = 42, 42 + 3 = 45, 45 का 5 लिख देंगे और 4 यहाँ पे कैरी करेंगे। 7 × 3 = 21, 21 + 4 = 25। तो हमें कितना आंसर मिल गया है, हमें आंसर मिल गया है 255 रुपीज़ 50 पैसे हमें आंसर मिल गया। दिस इज एग्जांपल नंबर 1। नाउ एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 इज द ₹33.25/6। 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है उसको, तो हम लिख देंगे ₹33.25 उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। नाउ लुक एट हियर, 6 × 5 = 30, 30 का हम लिख देंगे 0 और 3 कैरी करेंगे। 6 × 2 = 12, 12 + 3 = 15, 15 का हम 5 लिख देंगे, 1 कैरी कर देंगे, यहाँ पे डॉट लिख देंगे।
6 into 3, 18, 18 plus 1, 19, 19 का 9 लिख देंगे, 1 को कैरी करेंगे, 6 into 3, 18, 18 plus 1, 19, तो हमें आंसर कितना मिल गया है, 199 रुपीज़ 50 पैसे हमें आंसर मिल गया, 199 रुपीज़ 50 पैसे हमें आंसर मिल गया। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, ₹60.10 by 4, इसको क्या करना है, 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो नाउ लुक एट हियर, 60 रुपीज़ 10 पैसा है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 0 into 4 0, 1 into 4 4, यहाँ पे हम डॉट ले देंगे, 0 into 4 0, 4 into 6 24, तो हमें आंसर कितना मिल गया है, 240 रुपीज़ 40 पैसे हमें आंसर मिल गया, कितना आंसर मिल गया, 240 रुपीज़ 40 पैसे हमें ये आंसर मिल गया। दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 3। सो एग्जाम्पल नंबर 4 and 5, दिस इज द होमवर्क फॉर यू। एग्जाम्पल नंबर 13 से लेकर 20 तक होमवर्क है, देन क्वेश्चन नंबर ए में 13 से लेकर 20 तक होमवर्क है, एंड क्वेश्चन नंबर बी में आपको 4 और 5 होमवर्क है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज द डिवीजन ऑफ द मनी, एग्जाम्पल ये हम देखेंगे, देन डिवीजन हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। ओके, नाउ लुक एट डिवीजन ऑफ द मनी, यहाँ पे 1 एग्जाम्पल दिया है, मॉम हैज अ ₹75, मॉम के पास कितने पैसे है, 75 रुपीज है, शी डिवाइड इट इक्वली अमॉन्ग द 3 चिल्ड्रन, उसने क्या किया, वो 75 को 3 चिल्ड्रन में इक्वली डिवाइड किए, सो हाउ मच मनी डिड ईच चिल्ड्रन गेट, तो हमें निकालना है कि सभी बच्चों को, सभी चाइल्ड को कितने पैसे मिले हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 75 को 3 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि हर एक चाइल्ड को कितने पैसे मिले। तो जैसे नॉर्मली हम डिवीजन करते हैं, 75 को 3 के साथ डिवाइड किया तो कितना आ गया है, 25 आ गया, तो ईच चिल्ड्रन को, ईच चाइल्ड को कितने पैसे मिल गए हैं, 25 रुपीज़ मिल गए हर एक चाइल्ड को। सो दिस इज द एग्जाम्पल फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। नाउ एक्सरसाइज 9.7 डिवीजन, दिस वी विल बी सी इन आवर नेक्स्ट पीरियड। सो आई होप ऑल ऑफ यू नाइसली अंडरस्टूड, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।